वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, सिर झुकाकर स्कूल जाती छात्राएं। शामली में शोधों का राज देखने को मिला है, प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई, योगी का एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार फेल होता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर शामली से, शामली से आई तस्वीरें प्रदेश के कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा में किए गए सरकारी दावों की पोल खोलती है। योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड का यहां कोई अस्तित्व नहीं है, यहां शोधों का राज चलता है और बेटियों को सिर झुकाकर स्कूल जाना पड़ता है। यह हाल सालों का है, ना शिकायत का असर हुआ ना सरकार बदलने का। कई गांवों की बच्चियां ट्रैक्टर में इसी तरह सिर झुकाकर रोज स्कूल जाती हैं और वापस घर लौटती हैं। माँ बाप बीमार भी हों तो बच्चियों को छोड़ने जाना पड़ता है, क्योंकि सवाल उनकी जिंदगियों का है, इसलिए सर झुकाए रहती हैं ताकि रास्ते में जो शोधे मन चले भद्दे कमेंट करें उसे अनसुना कर दें। भद्दी टिप्पणियों को अनसुना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सरकार के कान बंद हैं, प्रशासन नींद में है और समाज खोखला हो चुका है, और स्कूल मैनेजमेंट इसे कैंपस के बाहर का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। सरकार के मंत्री सुरेश राणा बच्चियों के सवाल पर योगी राज का गुड़गाड़ करने लगते हैं। ऐसे में बच्चियों के झुके सिर को किसे फिक्र है, लेकिन आत्ममुग्धता की शिकार हो चुकी सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि सिर बच्चियों का नहीं बल्कि देश का झुका। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉइस पर, शामली की ये तस्वीरें जहां बच्चियों का सिर झुका हुआ है, बेटियों का नहीं, ये देश का सिर झुका हुआ है। जी हां, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ नेशनल वॉइस पर। शामली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं लगातार जिस तरह के दावे पेश किए जाते हैं, जिस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन असल में जो सामने आता है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो कि शामली जिले की हैं। यहाँ लगातार जो बेटियां हैं वो सर झुकाकर स्कूल जाने को प्रतिबद्ध हो चुकी हैं, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है इसका किसी को पता नहीं। तो ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो सब कुछ बयां कर रही। तो आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि अभिभावकों का क्या कहना है और उसी के साथ साथ प्रिंसिपल का क्या कहना है। सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। इरशाद जी, आपके जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो इसी जी, मेरी बहन जी और मेरी लड़की इसी स्कूल में पढ़ती हैं, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में यहीं पर पढ़ती हैं। किस क्लास में? 10th में। दोनों दोनों 10th में हैं। एक अभिभावक के तौर पर क्या छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे होती हैं आपको? छेड़खानी की कॉलेज में तो नहीं होती सर, लेकिन रास्ते में इतनी होती हैं कि मैं खुद बीमार होने के बावजूद मैं खुद ले जा रहा हूँ, खुद छोड़ रहा हूँ, जो रास्ते में काफ़ी दिक्कतें हैं। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा लड़कियों को बंद कर दूँ कॉलेज, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है इसलिए बंद नहीं कर पाए, और दिक्कतें हैं इसलिए खुद ला रहा हूँ और खुद छोड़ नहीं पाता। यानी कि एक जो वो तस्वीर हमने देखी है जिसमें बेटियाँ सिर झुकाकर स्कूल आने और जाने को मजबूर हैं, वो तस्वीर सही है? वो तस्वीर बिल्कुल सही। उसकी तो वजह ये है कि भाई अब तो एक टिकट तो पेपर चल रहा है, जो बच्चे हैं उसमें कुछ पढ़ भी रही थी, बुकलेट उन्होंने खोली हुई थी, और वैसा ऐसे कोई बंदिश वाली बात नहीं है कि उनको ज़्यादा सिर झुकाने के लिए कहा जाए। और अब तो वो मेनली पढ़ने वाला पोस्ट था उनका कि वो कुछ रिवाइज कर रही थी उसमें से जो बुकलेट वो लोग ले रही थी। लेकिन अभी जब पेपर दे के बच्चियाँ गई हैं, फिर से वही तस्वीर दोबारा देखने को मिली। हमने बच्चियों से बात की, उन्होंने कहा कि शामली शहर जब पूरा हम क्रॉस करते हैं तो इसी तरीके से सिर झुका के रखते हैं, जब शामली के बाहर पहुंच जाते हैं तो सिर उठा लेते हैं, क्योंकि रास्ते में लड़कों से छेड़खानी करते हैं। नहीं, वो तो जो उनका निजी वाहन वाला है उसमें ही, विद्यालय परिसर के बाहर की बात है। तो लड़के छेड़खानी करते हैं, इस वजह से लड़कियों को सिर झुकाकर अपने स्कूल जाना पड़ता है कि लड़के कहीं छेड़छाड़ ना करें। ऐसे में तमाम दावे यहां पर फेल होते नजर आ रहे हैं सरकार के, क्योंकि जिस तरह से सरकार आई, सरकार ने लोगों को वादा किया, वादे के बाद जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति बार बार इस प्रदेश में देखने को मिल रही है। कहीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो कहीं लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें जो सब कुछ बयां करती हैं, शामली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बेटियां हैं जो देश की, वो किस तरह से सर झुकाकर जाने को प्रतिबद्ध है।
और ऐसे में मंत्री जी का क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार 15 साल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुधारा है, और मैं तो यहां तक कहता हूं जिस प्रकार इनामी अपराधी मारे गए हैं, दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं, अपराधी खोप में हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए भी देश में रोल मॉडल बनेगी और बहुत तेजी के साथ कानून व्यवस्था। तो देखा आपने मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार दावे किए गए महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, ऐसे में कई दावे अब धरातल पर आकर कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि अब एंटी रोमियो स्क्वाड जिसका बढ़ चढ़कर बोलबाला था जब शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद लगातार जिस तरह से महिला सुरक्षा के दावे पेश किए गए और लगातार जगह जगह पर पुलिस वाले भी दिखे जिन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का होने के चलते लड़के लड़कियों को देखा, लेकिन उसके बाद अब जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये वानगी पेश कर रही है कि किस तरह की स्थिति इस वक्त सरकार मौजूदा सरकार में हो रही है और प्रदेश की हालत जिस तरह से बद से बदतर होती जा रही है उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शामली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बेटियों का सिर झुका कर जाना सिर्फ इसलिए है कि कहीं कोई उन्हें परेशान ना करे, उनके साथ छेड़खानी ना करे। तो ऐसे में सिर सिर्फ बेटियों का नहीं बल्कि देश का झुक रहा है क्योंकि इस तरह की स्थिति अगर आ जाए देश के भविष्य की, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में ऐसे पढ़ेंगी बेटी तो कैसे बढ़ेंगी बेटियां, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आता है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चियां सर झुकाकर जाने के लिए मजबूर हैं, उन्हें मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि अगर कुछ ऐसा होता है तो माँ बाप जिनकी तबीयत भी कई बार ठीक नहीं होती उसके बाद उन्हें भी बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। तो ऐसे में स्थिति बद से बदतर नज़र आ रही है और सरकार के दावे लगातार जिस तरह से दावे सरकार पेश कर रही है वो दावे आखिर में धरातल पर आकर किस तरह से वो ठहरते हैं वो आप तस्वीर देख सकते हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो लगातार सिर झुकाकर जा रही हैं। तो क्या माना जाए, क्या शोधों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि लगातार वो इस तरह से बेबसी के लिए लोगों को मजबूर कर दें? आप तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं इनकी बेबसी कि कितनी बेबस हैं ये इन पूरी स्थिति को लेकर, क्योंकि जिस तरह से शोधों के मनचले जिस तरह से उनके ये लगातार उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं ऐसे में वो प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में हमारे साथ इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी हैं, पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश। हमारे साथ ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और हमारे साथ रंजीत कुमार जी हैं, ग्रुप एडिटर नेशनल वॉइस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में। और सबसे पहले राकेश जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आपकी सरकार है और आपसे जवाबदेही चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ है एंटी रोमियो स्क्वाड जिसकी बढ़ चढ़कर लोगों ने प्रशंसा की थी? देखिए, मैं ये कोई दावा नहीं करूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में छेड़खानी की कोई घटना नहीं हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं पर किसी प्रकार का कोई यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूँगा। लेकिन आज एंटी रोमियो स्क्वाड पर प्रश्न खड़े करने वाले लोग, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और एंटी रोमियो स्क्वाड गठित हुआ, एंटी रोमियो स्क्वाड ने प्रभावी कार्रवाई करना प्रारंभ किया, तो तमाम सारे लोग थे जो आलोचना करने लगे कि एंटी रोमियो स्क्वाड, ये स्क्वाड बनाना गलत है, ये स्क्वाड की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान के दौरान बहुत जो प्रमुख मुद्दे उठाए थे उन प्रमुख मुद्दों में छात्राओं के साथ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ छेड़खानी एक प्रमुख मुद्दा था। और हमने सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर काम करना शुरू किया। 672,000 छात्रों को हमने, जो सहोदे थे जो छात्राओं को छेड़ने का काम करते थे उनको हमने हिदायत देने का काम किया। 1200 मुकदमे हमने पंजीकृत किए हैं, लगभग 2500 लोगों की गिरफ्तारियां हमने की हैं। देखिए इन तस्वीरों पर बताइए ना, ये जो तस्वीरें आई हैं इन तस्वीरों को देखकर भी तो कुछ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा
कि उत्तर प्रदेश को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना नहीं हो रही है। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के पीछे का सच क्या है, ये वो छात्राएं बेहतर बता सकती हैं। उस विद्यालय के प्रबंधन ने जो बात जाहिर की है वो भी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि विद्यालय प्रबंधन इस बात से इनकार कर रहा है कि किसी भी प्रकार से वहां छात्राओं से छेड़खानी होती है। मैं मानता हूं कि विद्यालय प्रबंधन छेड़खानी होती है, अगर वो तो उनको डिफेंड करेगा ना राकेश जी, वो डिफेंड करेगा अगर वो मान ले कि हां इनके साथ छेड़खानी होती है, बहुत दृढ़ता से आधे लड़कियों के नाम कट जाएंगे। मैं बहुत बहुत दृढ़ता से नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है कहना कि कोई अपने अधिकारों की आवाज उठाएगा तो उसके साथ गलत हो जाएगा। ये चुपचाप सहने की स्थिति नहीं है। नहीं तो कैसे, आप देखिए ना कि पूरे शहर से एक लड़कियां, 50-60 लड़कियां जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए ना कि ये रोज गुजरती हैं, और आज से नहीं, हमने तो देखा कि ये पिछले 15 साल से एक शख्स इन लड़कियों को रोज लेकर जाता है, और ये नियम है कि जैसे ही शहर में आप घुसेंगे वैसे ही आप सारी लड़कियां सिर झुका लेंगी, और जब तक शहर का इलाका पार नहीं हो जाएगा या जब तक आप अपने स्कूल पहुंच नहीं जाएंगी तब तक सिर नहीं उठाना है। और इसलिए नहीं उठाना है क्योंकि शोहदे छेड़ेंगे, कमेंट करेंगे, आप उनको देखेंगे तो वो आपसे आपके साथ छेड़खानी करेंगे। भाई ये साल दर साल चल रहा है, और आपकी सरकार, आप देखिए ना इन तस्वीरों को देखकर इसका क्या जस्टिफिकेशन है भाई? मैंने देख लिया, आप कहिए तो मैं जस्टिफिकेशन। हाँ, बताइए ना, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखाइए, अगर कहीं किसी पे कोई छेड़खानी करते हुए किसी मजनू, किसी सौदे, किसी आवारा लड़के की तस्वीरें दी है आपके पास, आप दिखाइए। हम दावे से कह रहे हैं, कार्रवाई होगी राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, आपने महिला महिला सुन लीजिए, महिला प्राचार्य की बाइट तो आपने सुनी, प्रश्न मैंने धैर्यपूर्वक सुना, जवाब राकेश जी, राकेश जी उठाते रहिए, प्रश्न हो रहे हैं, आपको जवाब नहीं सुनना है, आप जवाब नहीं सुनना है, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, प्रश्न खड़े करना आसान होते हैं, जवाब सुनना कठिन होता है, मीडिया भी जिम्मेदारी निभाए, आप प्रश्न खड़े करें तो जवाब भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली बार प्रभावी कार्रवाई की, आपको सराहना करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो प्रभावी कार्रवाई कर रही है। आप जवाब सुनिए, आप प्रश्न लगातार करेंगे, आप जवाब भी सुनिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, आपकी जवाबदेही प्रश्न करने की है तो सरकार की जवाबदेही जवाब देने की, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनने से परहेज कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, नहीं मैं आपका प्रश्न सुन रहा हूँ, आप जवाब, लेकिन उसके बाद सुनिए, मैं सुनूंगा, पहले मेरा सवाल सुनिए। आपने प्राचार्य की बात तो सुन ली, लेकिन एक 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 अभिभावक वहां कह रहा है कि हम बीमार होने के बावजूद भी अपनी भांजी और अपनी अपनी बेटी को मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है क्योंकि रास्ते भर छेड़खानी होती है। वो आपको नहीं सुनाई दिया, आप सुनेंगे भी नहीं, आप क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं। असली बात यह है राकेश जी, आप आपने क्यों नहीं उसका उसको क्यों नहीं कोट किया? प्रश्न पूरा हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपने प्रिंसिपल की बात आपको सुनाई दे दी। आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं जवाब दे दूं, बताइए ना। अब विनम्रता से निवेदन करूंगा, आपने जितनी देर तक प्रश्न पूछा है कम से कम उतनी देर तक उत्तर सुन लीजिएगा। ठीक है, बताइए, बिल्कुल आपने आपने पक्ष रखे, आपने एक दृश्य दिखाया है जिसमें छात्राएं सर झुकाए हुई हैं और एक उसके बाद प्रिंसिपल की बाइट सुनाई है और एक अभिभावक की बाइट सुनाई है। मैं इसी आधार पर कह रहा हूं कि यदि कहीं किसी को कोई शिकायत आई और अगर सरकार ने कार्रवाई न की हो, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। पहली बार हमने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद इस समस्या को एड्रेस करने का काम किया, प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया है। देखिए ये परंपराओं में भी है, ये संस्कारों में भी है, और बहुत विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के हालात बने हुए थे उन हालातों में इस प्रकार से जीवन जीना लोगों ने सीख लिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि छात्राओं को घर से बाहर निकलने के बाद किसी प्रकार की पर्दा प्रथा में रहना पड़े, उनको सर झुकाना पड़े, उनको शर्मिंदगी का कोई एहसास करना पड़े, यह दुखद है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई है पिछले के शासनकाल में, उसके कारण इनको इस तरह का जीवन जीना लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बहुत प्रभावी ढंग से कार्रवाइयां की हैं, तो उसकी इसको भी आपको बताना पड़ेगा, इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। शिकायत व्यक्त कर रहे हैं, कोई कह नहीं रहा है कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है। अगर अगर शिकायत नहीं कर रही है,
लड़कियां शिकायत नहीं कर रही इसलिए आप कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने आपको एक बयान सुनाया, हमने आपको एक बयान सुनाया, इरशाद नाम का शख्स कह रहा है कि मैं रोज बीमार होने के बावजूद, बुखार में होने के बावजूद मुझे अपनी बच्चियों को छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल। शिकायत जायज है, आप शिकायत करिए, उत्तर प्रदेश की सरकार शिकायत सुनने वाली है, उत्तर प्रदेश की शिकायतों का निवारण करने वाली है। निवारण निवारण समस्या भी नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बच्चों की। आप दोनों को राकेश जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कुलदीप पंडित जी हैं, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और उसी के साथ आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ था, तो आप किसे मानते हैं, कैसे हमला हुआ आपके ऊपर? कुलदीप कौन है गौरव जी? ये पत्रकार है। अच्छा, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं राकेश जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, और पहली बार एक खबर दैनिक जागरण में छपी थी, उसके बाद उनके कार्यालय पर हमला हुआ, और कुलदीप जी अब हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आप हमको आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी, आवाज आ रही है। अच्छा, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी, दैनिक जागरण में आपने शायद सबसे पहले इस खबर को, ब्यूरो चीफ हूं जी जी, और आज जो ये घटनाक्रम हुआ है इसका मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। अभी तीन दिन पहले हमने शामली, अपना जनपद है यहाँ की, एक सोशल समस्या के बारे में एक फोटो प्रकाशित किया था, जिस फोटो में गांव की बहुत सारी नाबालिग बच्चियां हैं जिनको इस तरीके से घर से और स्कूल तक लाया जाता है कि वो गर्दन झुकी रहती हैं। तो मैं बताऊंगा कि ये सफर जो है ये लगभग 15 किलोमीटर का सफर है, ठीक है। इन बंदिशों के बीच में हम लोगों ने देखा कि एक सोशल समस्या है, तो एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। हमने उस फोटो को प्रकाशित किया और बाकायदा सभी अखबारों में, हमारे ऑल एडिशन में छपा। इस चीज को लेने के बाद ऊपर से यूपी सरकार ने संज्ञान लिया इस बारे में, जैसी जानकारी करनी यहाँ के लोकल प्रशासन से, पुलिस से जानकारी करनी शुरू करी, तो प्रशासन ने इसे दूसरे रूप में ले लिया। एक समस्या का निस्तारण करने के बजाय प्रशासन का, पुलिस का जो रवैया रहा वो रिएक्ट करने वाला रहा, और उसने अखबार को सीधा सीधा टारगेट बना लिया। एक चैनल ने इस खबर को चलाया तो उसको टारगेट बना लिया, और टारगेट बनाने के बाद आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे कार्यालय में सुबह लगभग 1 दर्जन महिलाओं को और लगभग 2 दर्जन लोग आए, और आने के बाद उन्होंने सीधे यहाँ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, मारपिटाई शुरू कर दी। और उनका कहना यह था कि आपने एक छाप क्यों लिया महिलाओं की और पुरुष की? अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस सारे पूरी साजिश के तहत ये एक हमला कराया गया है, क्योंकि एक हम लोग एक सोशल समस्या लोगों के सामने रख रहे हैं। अब बच्चों की अगर ये हालत है तो दोनों ही रूप में है, अगर बच्चों पे अंकुश है, बंदिश है, तो वो भी गलत है, और अगर फैमिली का माहौल इस लायक है कि यहाँ पे बच्चियां सिर उठाकर नहीं चल सकती तो ये भी है। हमने सरकार को सिर झुका कर स्कूल जाना पड़ता, अगर ये हाल सालों का है, और जो ना शिकायत का असर हुआ ना कुलदीप जी हमारे पास एक बयान है स्कूल के प्रिंसिपल का, उनका कहना है कि वो नोट्स पढ़ रही थी, उनको वो सिर झुकाकर कुछ पढ़ाई कर रही थी। मैं हैरान हूं इस तरह की दलील पे कि 60 बच्चियां एक ट्रैक्टर पर बैठी हैं, सबके सिर झुके हैं और सब नोट्स पढ़ रही हैं। ये दलील है प्रिंसिपल की, और ये बयान बीजेपी के नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये बयान उनको सुनाई देता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो नहीं सुनना चाहेंगे। अभी कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे थे पूरी तरह से वाहियात बयान है जी। मैं इसकी, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको 5 मिनट में इसकी सारी टोटल वीडियो फुटेज उपलब्ध करा सकता हूँ। बिल्कुल मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे हमारे संवाददाता अभी आपके पास पहुंचेंगे। सरकार, अगर आप बात करें योगी सरकार जी, योगी सरकार ऐसे मामलों में सीधे सीधे कार्रवाई करने के बजाय, उनका जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से इस कदर निरंकुश हो गया है कि अगर कोई सही सोशल समस्या उठाता है, उनके खिलाफ बात करता है, तो उसके खिलाफ सीधे सीधे रिएक्ट करके कार्रवाई करते हैं। कुलदीप जी, उनके अधिकारी सीधे लोगों को उकसा के दूसरे अखबार को, आज जो लोग तोड़फोड़ करने पहुंचे थे आपके कार्यालय पे, उनकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। कुलदीप जी, आज जो लोग तोड़फोड़ करने पहुंचे थे आपके कार्यालय पे, क्या कह रहे थे वो? मैं बताऊं, सुबह का घटनाक्रम जैसे ही हमें ये पता लगा, कल से सीधा सीधा सा रिएक्शन शुरू हो गया, और कुछ उसमें आप पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते, इसमें कुछ लोग शामिल थे, उन्होंने रिएक्ट किया, तो हमने उनको सीधा सीधा समझाया कि ये मामला एक इस तरह है, हम लोगों ने सोशल समस्या के रूप में इसे लिया। इस मामले में जैसे जैसे लोगों का आक्रोश हमें दिखाई दिया, हमने पुलिस को भी, प्रशासन को भी, दोनों को अवगत कराया। सुबह जिस समय हमें ये पता लगा कि कुछ लोग जो इस मामले को लेकर ऑफिस में आ सकते हैं और वो कर सकते हैं, सुबह ही हमने यहाँ के SP को सूचना दी, यहाँ के CO/CT को सूचना दी, यहाँ के थाने को सूचना दी। सूचना देने के बाद वो लोग ऑफिस के नीचे जुटे रहे। अच्छा,
पुलिस मूक दर्शक बनी रही, मतलब पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में दफ्तर में पुलिस की गाड़ियां ऑफिस के नीचे मौजूद हैं और 20-25 लोग आकर किसी भी अखबार के दफ्तर में आके तोड़फोड़ कर देते हैं। ये सबसे सीधा सीधा सा ये यहाँ के जिला प्रशासन को, पुलिस को सीधा कटघरे में करता है और मैं सीधा सीधा सा आरोप लगा रहा हूँ कि ये सरकार नहीं, यहाँ पे इस मामले में जांच की तो यहाँ की पुलिस ने और प्रशासन ने एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के लोगों की आवाज दबाने के लिए, मीडिया की आवाज दबाने के लिए ये सारा काम करा है। कुलदीप जी आप हमारे साथ बने रहिए, रूप से प्रायोजित है। कुलदीप जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, क्या कुलदीप जी की बात सुनने के बाद भी आप ये कहेंगे कि आपकी सरकार कार्रवाई करने वाली सरकार है और जो कार्रवाई आप करते रहे जिस तरह की, उसकी एक वानगी देखिए। देखिए हमने कहा कि 15 साल पहले भी लड़कियां इसी तरीके से सिर झुकाकर चलती थी, आज भी चल रही हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार कार्रवाई करती है, कार्रवाई क्या करती है उसकी वानगी आप देख लीजिए, अब बताइए। देखिए रंजीत जी, किसी एक घटना के आधार पर आप पूरी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न लगाएं और जिन जिलों में बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई है, जहां पर बहुत प्रभावी कार्रवाई है उसको आप जीरो बता दें, शून्य बता दें, ये ठीक नहीं है। कुलदीप पंडित जी जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप बहुत गंभीर है और उत्तर प्रदेश की सरकार इन आरोपों का संज्ञान लेकर के वहां प्रभावी कार्रवाई करेगी, मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस बात का आश्वासन दे रहा हूं। किसी भी अखबार के, किसी भी मीडिया चैनल के दफ्तर पर हमला, लोकतंत्र पर हमला होता है। मैं मानता हूं कि आवाज उठाने का अधिकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी तरीके से है, उसको किसी भी तरीके से बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। मैं इस घटना के कठोर स्वर में निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश के जो वहां जिम्मेदार अधिकारी है कार्यालय पर हमले की बात कर रहा हूं, छेड़खानी के संदर्भ में अब भी आप नहीं, प्रमाण नहीं रख हमले की बात छोड़ दीजिए, हमले की बात छोड़ दीजिए, हमले का सवाल नहीं है साहब। हम जब सवाल उठाएंगे हमारी गर्दन भी काटी जा सकती है, हजारों हजारों जर्नलिस्ट के गर्दन काटे जाते हैं दुनिया भर में, उसकी बात नहीं है, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि आप ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 15 साल पहले भी बेटियां जहां सिर झुकाकर सड़क पे गुजरती थीं, आज भी उसी तरीके से सिर झुकाकर गुजरने के मजबूर हैं, इसको लेकर क्या सवाल है? आप इसे मानेंगे कि नहीं? सवाल यह है, मुद्दा यह है राकेश जी, आप कहां हमले की बात कर रहे हैं? देखिए मैंने कहा ना, इसी भारतीय समाज में पर्दा प्रथा की परंपरा है, बहुत सारी चीजें परंपराओं के रूप में चलती है। मैं नहीं घटना से वाकिफ हूं कि शामली में बच्चियां सर झुका करके क्यों चलती है, मैं इस बारे में कोई जस्टिफिकेशन अभी नहीं दे रहा, इसलिए लेकिन आपका उसके सामने नहीं कर देना, राकेश जी आप ऐसा नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप समझना नहीं चाहते, आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं याद है रंजीत जी, सचिन और गौरव दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ किस कारण से हुई थी सचिन और गौरव, राकेश जी छोड़ा था आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ खुद शामली के डीएम जुड़ चुके हैं राकेश जी, शैलेन जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ खुद शामली के डीएम इंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में, और उसी के साथ आपसे सवाल भी है कि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसको लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है, ऐसे में सिर झुका के जाने के लिए लड़कियां प्रतिबद्ध हो चुकी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक आपने? उनका संपर्क टूट गया, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है राकेश जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी हैं। सुब्रत जी, आप भी क्या मानते हैं कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये असल में लड़कियों की का खौफ नहीं है, लड़कियों के भीतर के खौफ की तस्वीर नहीं है, ये असल में लड़कियां नोट पढ़ रही है, जैसा कि नोट्स पढ़ रही है, जैसा कि प्रिंसिपल कह रही थी। 3 मिनट का समय देंगे? एकदम देंगे। मैं बीमारी का पोस्टमार्टम करना चाह रहा हूं जी। ये बीमारी जो आप 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल से नहीं है, 3.5 साल से है। एक गलत जियो उत्तर प्रदेश शासन से 3.5 साल पहले निकला और वह यह निकला कि जब छेड़खानी की घटनाएं हों, और आज भी वह जियो रिवोक नहीं हुआ है। अच्छा, जब तक वह जियो वापस नहीं होगा छेड़खानी नहीं रुकेगी, चाहे रोमियो स्पोर्ट्स हो। क्या जियो है? वह जियो यह है, ध्यान सुनिएगा, मैं किसी की किसने गुमराह किया पिछली सरकार को मैं नहीं कह सकता, कि अगर छेड़खानी घटना हो तो दोनों पक्षों को बुला करके उनको काउंसलिंग की जाए और चेतावनी दी जाए, जैसा भाई साहब ने कहा चेतावनी इतने लोगों को दी गई। 3 साल पहले चेतावनी का कोई प्रावधान था ही नहीं, आज भी कानून में चेतावनी प्रेस्क्राइब ही नहीं है। अच्छा। किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत चेतावनी दी जा रही है यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। पहले चेतावनी देने का, चेतावनी देना अवैधानिक है,
चेतावनी देने का कोई पावर पुलिस के पास नहीं है। पुलिस के पास केवल एक पावर है, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसले में लिखा है माननीय कि अगर कोई औरत के पेट में बच्चा आता है, जैसे दो ही रास्ते हैं, या तो डिलीवरी हो या अबॉर्शन हो, उसी तरह पुलिस में कोई बात जाती है तो पुलिस के पास केवल दो ही रास्ता है, या तो चार्जशीट लगे या फाइनल रिपोर्ट लगे। यह तीसरा फैक्टर केवल पति पत्नी में काउंसलिंग का एक परंपरा, वह भी अवैधानिक डाली गई थी एक परंपरा, लेकिन जो काउंसलिंग जैसे पति पत्नी के झगड़े में होती है, वैसे ही छेड़े जाने वाली लड़की और छेड़ने वालों के बीच में एक काउंसलिंग जो दरोगाओं ने चालू कर दी, उस जियो का गोलमोल सब थे, उनका दुरुपयोग करके अगर वह जियो विड्रॉ हो जाए तो इसकी आधी मेहनत में छेड़खानी की 90% प्रॉब्लम दूर हो सकती है। यह क्यों बनाया गया, आदेश दिया गया, यह किस बूते चेतावनी दी जा रही है? अगर थाने में शिकायत पहुंची नहीं तो चेतावनी किस बात की मिल रही है? तो नहीं, जो पहले प्रावधान में हजारों चेतावनियां दी गई, जो पहले प्रावधान था वो क्या था? अगर छेड़खानी होती है तो क्या किया जाता था? और अब मुकदमा कायम होता था, ठीक है, अगर मुकदमा कायम होता था आदमी या तो जेल भेज जाता था, अथवा अगर शिकायत झूठी है तो फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती थी। और अगर दो बार से अधिक किसी ने छेड़खानी की है तो उस पर गुंडा एक्ट के तहत 89 के पहले कार्रवाई की जाती थी। अच्छा। लेकिन 89 में एक ऐसी संस्कृति का देश में जन्म हुआ जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का यह मानना था कि लड़के फिसल जाते हैं और हो जाती लड़के है। नहीं गाती फिसल, जैसे बुड्ढों पर भी जेल के अंदर उन पर अत्याचार किया जाता है, उस संस्कृति की उपस्थिति कि एक आदेश इशू हुआ कि कोई भी बात हो तो पहले चेतावनी दी जाए। यह चेतावनी का नियम अवैधानिक, ठीक बात है। ताहिरा जी, अभी इसको बदलना पड़ेगा। हाँ, बहुत देर से आप बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आपके भीतर भी संभवतः वही गुस्सा है जो इस तस्वीर को देखने के बाद किसी भी आम भारतीय के मन में आएगा, और वही शर्म और जिल्लत जो हम महसूस कर रहे हैं कि 60 लड़कियां एक साथ बाजार से गुजरती हैं और सबके सिर झुक जाते हैं। कई बार लगता है कि लड़कियों का नहीं, हम शर्मिंदा हैं, हमारा सिर झुका हुआ है, देश का सिर झुका हुआ है। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार में, मेरा ये कहना है पिछली सरकार में क्या हुआ, नहीं हुआ। आधी जमीन ने आपको वोट दिया, आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी में लाए, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप बार बार लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, क्या होगा, कैसे बचेगी, किस तरह की संस्कृति आप दिखा रहे हैं? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, याद रखना चाहिए। आधी जमीन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। बच्चियां सर झुका के चाह रही, मुझे तो बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि, और गुस्सा भी आ रहा है कि वो प्रिंसिपल साहिबा एक महिला होते हुए कह रही वो नोट्स पढ़ रही है और कहीं नोट्स दिख नहीं रहा है, और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी को सिर्फ वही बयान सुनाई पड़ता है और उसमें जस्टिफिकेशन दिखता है कि नहीं हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे आज 6 महीने से आया, आप छोड़िए, समाजवादी पार्टी को तो रिजेक्ट कर दिया गया था, आप बार बार उन्हीं के कंधे पे क्यों बंदूक दाग रहे हैं, उनको हटाइए। आपने क्या किया 6 महीने में? वो बच्चियां इस तरह से जा रही हैं, ये शर्मसार कर रही हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की सरकार को। इन आधी जमीन ने आपको वोट दिया था, आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी में लाए थे गुड गवर्नेंस के लिए, आपका एंटी रोमियो स्क्वाड कहां चला गया? वो 18 साल से बालिग लड़कियों और लड़कों को तो परेशान करता था जो वोट दे के देश की राजनीति की दशा और दिशा में भागीदार हैं, और जो सारी नाबालिग लड़कियां हैं अपनी जिंदगी सारी नाबालिग जिनको अधिकार है राइट टू लाइफ राइट टू लव का, आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये एंटी रोमियो स्क्वाड वहां तो पहुंच जाता था अगर जो अपनी मनमर्जी से बच्चे लड़के लड़कियां घूमते थे, और यहाँ पर जब लड़कियां सर झुका के जा रही हैं तो एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ चला गया? लड़कियों के साथ अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़े, हम रोकने में असमर्थ हैं, को स्वीकार नहीं करेंगे, हमने अपराध कम करने का काम किया, प्रभावी कार्रवाई की है, हमने ही काम किया, बात आप काम नहीं किया और उन पर कोई आरोप नहीं, हमने काम किया है अपराध। राकेश जी, तथ्यों की बात हम कर ही नहीं रहे, मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूं, तथ्यों की बात करेंगे उसमें
दिखाएंगे कि योगी सरकार के आने के बाद, सरकार में आने के बाद योगी सरकार, योगी शासन में किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं, वो आंकड़े भी हम आपको भी दिखाएंगे, उस पर भी हम जवाब लेंगे, उस पर भी हम जवाब लेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। शैलेंद्र जी, हाँ, सिर्फ ये कहना, जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि उस जियो को लाने का प्रावधान ही क्या, जरूरत ही क्या है फिलहाल। यदि आप इस तरह के क्रियाकलाप दिखा रहे हैं, उस पर आपने जो है एक बताया कि आप आरोप लगा रहे हैं, मतलब आप आईना मत दिखाइए। यदि आप आईना दिखा रहे हैं तो आप गलत हैं। इसको दमनकारी नीतियों को जो है कुल मिलाकर के, ये जो लोकतंत्र पे जो है एक जो है कुठाराघात हमला जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के खिलाफ जो इनका एक जो ये नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो है ढकोसला है और खोखला दावा है। क्योंकि इस तरीके की जो नीति है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि आप एंटी रोमियो दल बनाए थे, उसका लोगों ने विरोध किया था, आप बना रहने देते, किसने मना किया है? विरोध तो लोग बहुत सी चीज़ों करते हैं, कोई आप हटा थोड़ी देते हैं। विरोध तो लोगों ने बहुत से मंत्रियों का किया, आपने हटा थोड़ी दिया, लेकिन आपने एंटी रोमियो में इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा अभी आपने बताया कि वहां से एक बयान आया, उसको इन्होंने कोट किया। अभी जो कुलदीप जी ने बयान दिया उसको नहीं कोट कर पा रहे हैं, उसको नहीं समझा पा रहे हैं, उस पर कोई ब्रीफिंग नहीं है। आप इनको जवाब देने का टाइम दे दीजिए। हर चीज पे इनके पास जवाब है, हाजिर जवाबी है। वाक्पटुता से देश नहीं चलेगा, वाक्पटुता से आपकी भाषा शैली चल सकती है, आप अच्छे हो सकते हैं। जो कानून के प्रति जो आपकी जो हिला हवाली है वो दिख रही है, उस पर काम करने की बात है, उस पर बात की जा रही है, उस पर उंगली उठाई जा रही है, आप पे आपकी वाक्पटुता पे उंगली नहीं उठाई जा रही है। आप जवाब बात दे दीजिए, पहले इन पे कार्रवाई कर दीजिए। हाँ, जवाब ये होता है। ठीक है शैलेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले राकेश जी आंकड़ों की बात कर रहे थे, हमारे पास आंकड़े आ गए हैं, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ राकेश जी, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिएगा। ये 1 जनवरी 2017 से 31 अगस्त 2017 तक के आंकड़े हैं, और ये जो आंकड़े हैं कंपेरेटिव आंकड़े मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि 2000 इसी पीरियड में, यानी कि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2016 तक, और उसी तरीके से उसी पीरियड में, यानी कि 2017 में इन्हीं 8 महीनों में किस तरीके से अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के खिलाफ, वो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैं आपको बता दूं पहले कि ये आपके पुलिस विभाग के जारी किए गए आंकड़े हैं, आप इस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। बलात्कार के आंकड़ों में, बलात्कार के मामलों में 26% की बढ़ोतरी हुई, शील भंग के मामले में 41% की, छेड़खानी के मामले 51% बढ़े हैं, अपहरण के मामले 28%, महिला उत्पीड़न के मामले 22%, दहेज हत्या में मामूली बढ़ोतरी है, 0.3% है। कुल मामले जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामले हैं उनमें 27.98 यानी कि 28% की बढ़ोतरी है। और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार कार्रवाई करने वाली सरकार है, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने वाली सरकार है, और आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये आंकड़े गलत हैं। मैं जवाब दे देता हूं। आपने जो आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों को बिल्कुल नकारूंगा नहीं, ये बिल्कुल ठीक आंकड़े हैं। ये आंकड़ों में वृद्धि वास्तविकता में और होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो समाज है, इस समाज में अभी भी महिलाओं के प्रति अपराध की कुछ घटनाएं अभी भी रिपोर्ट नहीं हो पा रही। महिलाएं लोक लाज के नाते, शर्म के नाते, प्रशासनिक तंत्र की कमियों के नाते अब तक अपनी तमाम अपराध की घटनाओं को रिकॉर्ड में नहीं ला पाती है, उनके FIR दर्ज नहीं करा पाती है। आंकड़ों में वृद्धि क्यों हुई है उसके कारण समझिए। अपराध बढ़ गए ऐसा नहीं है, अपराध के आंकड़े इसलिए बढ़े हैं क्योंकि FIR पंजीकृत होना शुरू हुई। इससे अच्छा। पहले FIR पंजीकृत नहीं होती थी। जाति अपराधी की क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका राजनीतिक संरक्षण किस प्रकार का है, इसके आधार पर FIR दर्ज होती थी। ऐसा जवाब है ना राकेश, ये जवाब नहीं, ये सच्चाई है। जब भी आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है तो हर बार सरकार, यही जो भी सरकार में रहता है, जो भी सत्ता में रहता है, उसके पास इसके अलावा कोई दूसरी दलील नहीं है। मैं और दूसरे आंकड़े बताइएगा, और दूसरे आंकड़े भी सुन लीजिए, ये ऐसी दलील है जो कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के आंकड़े भी साथ साथ देखिए। आप कोई नई बात नहीं कर रहे, आप पिछले 100 सालों से अपराध में होने वाले बढ़ोतरी, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के आंकड़े हर बार वो भी गिना रहा हूं। सरकार यही दलील देती है, आप कोई नई बात नहीं कर रहे। मैं अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के आंकड़े भी गिना रहा हूं, वो भी सुन लीजिए राकेश जी। राकेश जी, आपको रोकना पड़ेगा, आपको रोकना चाहूंगा।
राकेश जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर अजय पाल शर्मा एसपी शामली जुड़ चुके हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में, और उसी के साथ आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है शामली में, ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? जी शुक्रिया, मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि मेरे स्वयं के द्वारा गांव में जाकर जो अभिभावक हैं, जो गांव के लोग हैं, उन सभी से वार्ता की गई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि सुविधा के तौर पे वो अपने बच्चों को इस तरह भेजते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहां पे किसान वर्ग हैं जो कि सुबह खेत वगैरह का या अन्य काम करते हैं, तो उनके लिए अकेले अकेले बच्चों को लेकर जाना पेरेंट्स के लिए उतना सुविधाजनक नहीं हो पाता, और सुविधा के तौर पर उनको भेजा जाता है। और नंबर दो पे उनसे जब पूछा गया कि लिए किसी प्रकार की शिकायत उन्होंने लोकल थाने में या किसी पुलिस के अधिकारी को की गई, तो उससे भी उन्होंने इनकार किया गया है। और बल्कि कुछ लोगों के अंदर यह आक्रोश भी है कि गांव के कुछ इन चीजों के बारे में जो तथ्य है उनको गलत रूप से प्रकाशित किया गया, लेकिन अभी जो भी फिर भी हमारी जो टीम है वो इसकी जांच कर रही है, और डेफिनेटली हम इंश्योर करेंगे कि अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी नहीं घटना। अजय पाल जी जो तस्वीरें हैं उसके बारे में क्या कहना है? तस्वीरों में 50 लड़कियां सिर झुकाकर पूरे शहर से गुजर रही हैं, पूरे शहर से जब तक गुजर नहीं जाती सिर नहीं उठाती, इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है? क्या इस पर भी आपको जब तक कंप्लेंट नहीं मिलेगा तब तक आप इसको सच नहीं मानेंगे? क्या तस्वीरें भी झूठ बोल रही है क्या? नहीं, इसमें हमें कंप्लेंट की कोई जरूरत नहीं, उस बारे में भी गांव वालों से बात की गई है। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा, जो कारण है उनकी जांच की जाएगी, लेकिन अभिभावकों के द्वारा इसमें सुरक्षा के संबंध में या अजय पाल जी, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी एक दिन कोई ऐसी घटना हो रही थी और हमारे कैमरे में कैद हो गई। जो लोग ट्रैक्टर से बच्चियों को लेकर जाते हैं, इसमें कोई ये कोई सवाल ही नहीं है कि वो किस आय वर्ग के हैं और क्यों ले जाते हैं एक साथ, क्यों इतनी बच्चियां एक साथ जाती हैं ट्रैक्टर पर, ये सवाल नहीं है। अजय पाल जी, सवाल ये है कि जिस परिस्थितियों में जाती हैं, हमारे कैमरे में कैद है कि जब तक वो शहर से निकल नहीं जाती तब तक वो सिर नहीं उठाती हैं, और ये आज से नहीं 15 साल से ही सिलसिला चल रहा है। हमारे पास बयान है, जो ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो 15 साल से इन बच्चियों को ऐसे ही ले जा रहे हैं, और इनको ये कहा गया है कि नहीं आप सिर नहीं उठाएंगे, इसलिए क्योंकि रास्ते में शोधे छेड़ते हैं, और ये 15 साल से चल रहा है। आप कह रहे हैं कि अभी पता लगाया हमें, भाई पूरा शहर रोज देखता है ये नजारा, रोज देखता है, और पता नहीं पुलिस को क्यों नहीं दिखती ये चीजें। नहीं देखिए, इसके बारे में जो आपने बताया है कि छेड़छाड़ वाली घटना, वो पुलिस के सामने उन्होंने इनकार किया है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उन्होंने पुलिस के सामने इनकार किया, और ये भी बात हम उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है, हमारे द्वारा देखे गए हैं, उन्होंने मीडिया में ये बयान दिया है कि छेड़छाड़ के कारण, हमारे पास तो अभिभावकों के बयान है। आपको मैं नाम बता देता हूं, आप चाहें तो आप मिल लें, इरशाद नाम है उनका, हमने उनका बयान अपने अभी चैनल पे दिखाया है। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन से मुझे तेज बुखार था, उसके बावजूद मैं अपनी भांजी और बेटी को खुद छोड़ने गया, क्योंकि स्कूल तो छोड़िए, पूरे रास्ते जो है जितनी छेड़छाड़ होती है, जितनी छेड़खानी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये उनका बयान है, हमने अपनी टीवी पे दिखाया, उनका नाम भी बता रहा हूं, इरशाद। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि हमने उनसे जानकारी करी है कि हमारे सामने वो इस चीज से इनकार कर रहे हैं, और कुछ बाइट्स हैं जिनमें उन्होंने इस चीज को कहा है कि छेड़खानी होती है। अजय पाल जी, हमारे साथ ताहिरा हसन जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो एक सवाल करना चाहती हैं आपसे। ताहिरा जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जब ये आप 15 साल से चल रहा है, और ये कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर शायद रास्ता है जो बच्चियां पार करती हैं, तो वहाँ कोई थाना, कोई पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, भाई देखिए ये देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना, और फिर पुलिस देखती है जो जिलों में किस तरह के हालात हैं, गांव में किस तरह के हालात हैं, तो आपकी पुलिस ने क्या किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। कभी पूछा कि भाई ट्रैक्टर वाले से ही पूछते कि ये बच्चियां सर झुका के क्यों जा रही हैं, क्या वजह, क्या ये जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है कि पूछे, जब हम जान रहे हैं कि हमारा समाज अभी भी रूढ़िवादी, उसमें जकड़ा हुआ है, आज भी महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता है, और प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कम से कम प्रधानमंत्री के स्लोगन का ही ध्यान देना चाहिए था, उसी की गरिमा को रखना चाहिए था, तो क्या ये पूछना नहीं चाहिए था? क्या पुलिस वहां पर पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पूछते, या उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया कि हाँ इसी तरह से महिलाओं का बच्चियों का चलता है और ये चलता रहे? जी अजय पाल जी, मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ बाइक्स को, जो व्यक्ति उनको लड़कियों को लेकर के जाता है, और उसकी कुछ बाइक्स को देखें, उन्होंने मेंशन भी किया है कि पुलिस की गश्त उनको रास्ते में भी मिलती है, और जहां पर बच्चियां पढ़ती हैं वहां भी मिलती है, वो गश्त हमने इसी तरह से प्लान की हुई है ताकि बच्चियों के आने और जाने के टाइम पे किसी तरह की वहां पे ऐसी कोई घटना उनके साथ ना हो। जी अजय पाल जी, जैसे आपने बताया, अजय पाल जी मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने बताया स्थिति वहां शामली में आप सामान्य मानते हैं, शामली में ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं, और ऐसे में जिस पत्रकार ने सबसे पहला सवाल उठाया, कुलदीप पंडित दैनिक जागरण के, उन्हीं पर हमला हो गया, और उसके लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं की दैनिक जागरण में, आपको पता है क्या?
जी मैं बताना चाहूंगा, इसमें लोकेश पंडित हैं जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, जिनके साथ में उन्हीं ग्रामवासियों की नौजोक वहां पे हुई है, उन्हीं पे उनके साथ में झगड़ा हुआ, उन्हीं गांव की महिलाओं के द्वारा किया गया है। उन्होंने उन पे आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों की जांच की जा रही है, लेकिन जो मामला जो सामने दिख रहा है डेफिनेटली ये हमारी तरफ से बिल्कुल वी आर श्योर कि हाँ स्थिति में सुधार होगा। ये कितना सच है कि पुलिस की मौजूदगी में लोग आए और दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और पुलिस तमाशबीन बनी रही? नहीं नहीं, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आप वीडियो भी देख सकते हैं, पुलिस ने पूरी तरह से इंश्योर किया दफ्तर में किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, उसकी वीडियोग्राफी हमारे पास भी है, दफ्तर में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से झगड़ा वहाँ पे हुआ, इनके साथ में मारपीट हुई है, उसके संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस की मौजूदगी में इंचार्ज के तौर पर वहाँ पर जो हमारे साथ अभी दैनिक जागरण के पत्रकार जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ है वो जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ मैंने सुबह में ही सबको बता दिया था, सारे पुलिस महकमे को एक खबर थी कि उनसे कल रात में उनसे फोन पे बात हुई थी जिन लोगों की, और उनको शंका थी कि आज सुबह कुछ ऐसा हो सकता है, और इसकी जानकारी दी गई थी, और उन्होंने कहा कि वहां सुबह से ही पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, बावजूद इसके लोग आए और हमारे साथ मारपीट हुई और पुलिस वालों ने बिल्कुल इंटरवीन नहीं किया। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, जब कुछ लोगों के साथ में वार्ता होते हुए उनका झगड़ा हुआ और किसी भी तरह से दैनिक के ऑफिस में कोई तोड़फोड़ नहीं होने दी गई, और जो वहां पे इंचार्ज थे जिनके कारण जिनके मौजूदगी के बावजूद वहां पे झगड़ा हो पाया, मारपीट हो पाई, उनको तत्काल वहां से लाइन हाजिर किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है राकेश जी, एसपी ने माना कि हाँ पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई, एसपी ने बताया भी कि हमने वहां कार्रवाई की है और इंश्योर किया है कि इस प्रकार की घटना ना हो। मैंने पहले ही इस बात को कहा कि किसी भी पत्रकारिता के दफ्तर पर हमला लोकतंत्र पर हमला होता है, स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी देखिए निकल करके आ रही है कि उस गांव के लोग ही इस तरह की रिपोर्टिंग से नाराज नहीं। मैं मानता हूं कि रिपोर्टिंग करते समय इस बात को जिम्मेदारी से रखना चाहिए, छेड़खानी का मसला है या परंपरा का मसला है। माफ करिए, पुलिस ने इस बात के लिए इसका उन्होंने बचाव किया कि हाँ हमने जिनसे बात हुई, हमारी जिनसे बात हुई, भाई उनकी जिनसे बात हुई, अब जो हम टीवी पे दिखा रहे हैं, उन्होंने आके कैमरे पे बोल रहा है, बताया है बीमार होने के बाद उसी गांव की और विशेष करके महिलाएं वहां थी, भाई विशेष करके वहां महिलाएं थी जो अपना आक्रोश व्यक्त करने गई। आपने ये खबर गलत तरीके से चलाई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा रंजीत जी कि पत्रकारिता जिम्मेदारी से खबरों को दिखाए। अगर अगर लड़कियों का जिम्मेदारी जिम्मेदार है इस बातों का बिना अध्ययन के इन तथ्यों को बिना बाहर निकाले और सरकार जो जैसा है वैसा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो खबरें क्रिएट मत करिए, जो खबरें क्रिएट करना पत्रकारिता के सिद्धांतों की हत्या करना है, खबरें क्रिएट करना बंद करिए। राकेश जी यही तकलीफ है, यही नहीं ये तकलीफ नहीं है, आप खबरें क्रिएट कर रहे हैं, आप यही बच्चों के बयान कर रहे हैं, बच्चों ने छेड़खानी की शिकायत की है। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी आपको सबसे पहले आपको एक बाइट सुनवाते हैं। अमित शाह ने चुनाव के समय छेड़छाड़ को लेकर क्या कहा था, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आपसे सवाल करेंगे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बच्चियों को अपने अभिभावक माँ बाप पढ़ाने के लिए दिल्ली की कॉलेज में दाखिला कराते हैं। क्यों दिल्ली की कॉलेज में कराते हैं? मेरठ में कॉलेज नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर में नहीं है? सहारनपुर में नहीं है? वहां इसलिए नहीं होता दाखला क्योंकि सपा के गुंडे अपनी बच्चियों को परेशान करते हैं। हमने तय किया है कि जिस जिस थाने में कॉलेज है वहां एंटी रोमियो दल बनाकर ये सारे सपा के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का। राकेश जी सुना, 1200 FIR पंजीकृत किया जाना, 2500 लोगों को गिरफ्तार किया जाना केवल छेड़खानी के मसले में, 22 अपराधी खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर में मार गिराया जाना, अरे आप
सरकार के किए गए कार्यों को आप शून्य नहीं घोषित कर सकते क्योंकि ये तस्वीर सरकार के दामन पे इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है राकेश जी, ये सालों लग जाएंगे, ये इतना बड़ा दाग है। हमने राकेश जी किया है, राकेश जी कहीं ना कहीं खबरें करने वालों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। राकेश जी आप इस तरह की खबरें क्रिएट करके छेड़खानी करने वालों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग करके छेड़खानी करने वालों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। राकेश जी मैं सिर्फ एक मिनट गौरव एक मिनट ताहिरा जी राकेश जी मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं जिसे आप सिर्फ एक तस्वीर कह के खारिज कर रहे हैं ये आपकी सरकार के दामन पे इतना बड़ा दाग है ना राकेश जी, ये पत्रकारिता पर दाग है, बड़ा दाग है, पत्रकारिता पर दाग लग जाएंगे, गलत तरीके से खबरें आने लग जाएंगे, आप मत करिए दाग को फैलाने में, और आपको शर्मिंदा होना चाहिए, डोंट क्रिएट द व्यू, डोंट क्रिएट द व्यू होना चाहिए, आप खबरों को हैरान करिए, क्रिएट मत करिए, डिफेंड कर रहे हैं आप, मैं हैरान हूं कि आप ये डिफेंड कर रहे हैं राकेश, आप बच्चियों के झुके हुए सर को या बुरके में किसी महिला को या घूंघट में किसी महिला को दिखा के झुका हुआ सर, ये झुका हुआ सर पर्दा नहीं है, ये पर्दा नहीं है राकेश जी, ये पर्दा नहीं है, ये ख्वाब है, मंचलों का गलत है, ये शोधों का ख्वाब है, आप भारत के समाज क्या बात कर रहे हैं, रिपोर्ट करते समय भारत के समाज को भारत के परिवेश को समझिए, अच्छा आपको लग रहा है कि लड़कियां ये लड़कियां समझिए लिहाज क्या रही है, क्या ये पर्दे में है, क्या लड़कियां क्या कर रही है, क्या राकेश त्रिपाठी जी मानी चाहिए इस तरह, राकेश त्रिपाठी जी हमने 22 एनकाउंटर को आप खारिज कर रहे हैं, आज अपराधियों पर कार्रवाई को आप खारिज कर रहे हैं, एक मिनट आप खारिज कर रहे हैं, एक मिनट राकेश जी ताहिरा जी एक मिनट ताहिरा जी डोंट डाइल्यूट एक मिनट ताहिरा जी राकेश जी आप एक ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि लड़कियां जो सिर झुका के जा रही हैं असल में वो पर्दे में पर्दा कर रही हैं, आप असल में वो हमारी हमारी सभ्यता और संस्कृति और उसके उसकी वजह से लिहाज करके सिर झुका के जा रही हैं, रिपोर्ट में इस बात को खुद से क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आप सुन लीजिए रंजीत जी, हमारे पास बाइट भी है, 15 हरीश चंद्र प्रवक्ता ने ये बाइट दी थी, सबसे पहले आपको वो भी सुनवाते हैं, आप राकेश त्रिपाठी जी आप पहले खुद सुनिए, पहले खुद सुनिए, अपने प्रवक्ता की बाइट सुनिए, अपने सरकार के प्रवक्ता की बाइट सुनिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे, बाइट। ये खबर पूरी तरह से निराधार है, जो शामली के पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि शामली जिले के गोहरणी गांव के लोग तो उनकी बच्चियां टाले पे ऐसे 20-25 साल से वो स्कूल जाती हैं और वहां के गांव के लोगों में इस बात पे मीडिया के लोगों में इस बात को लेकर के इस बात का आक्रोश है, उन्होंने इसको फोटो लेकर के इस ढंग से प्रस्तुत किया कि वहां न तो कोई सुरक्षा का मामला है न कोई इस तरह की, जिस ढंग से इस बात को प्रस्तुत किया गया है न किसी सौदे का डर है, सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, शैलेन जी शैलेन तिवारी आप भी सुन रहे हैं, सब सारे लोग सुरक्षित हैं वहाँ, सुनिए रंजीत भाई, अब मुझे लगता है कि पत्रकारिता को विपक्ष के नेताओं को समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से एक जो है क्लास लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि क्या राष्ट्रवाद है, क्या परंपरा है, क्या प्रावधान है, क्या सुरक्षा है, और मुझे लगता है कि पत्रकारों को आज की तारीख में किसी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब रामराज आ चुका है, वो रामराज जिसमें महिलाएं सर झुका के जा रही हैं तो उसको बताया जा रहा है परंपरा की दुआई दी जा रही है, ये परंपरा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं धिक्कार करता हूं प्रवक्ता महोदय को जिन्होंने SSP का बयान लिया, अरे आप वहां क्षेत्र के किसी अपने व्यक्ति को भेज के बताते हैं कि हाँ वो गलत है सही है, नहीं नहीं आप ले आइए ना, आप बताइए ना बच्चियां कहें उनके बच्चियों के गार्जियंस कहें इस बात को कि उनके साथ छेड़खानी हो रही है, कोई विजुअल दिखाइए कि छेड़खानी हो रही है, सबूत नहीं है, आप गुनाहगार गुनाहगार नहीं है, सबूत नहीं है तो गुनाहगार गुनाहगार नहीं है, मनु सिंघवी की शिकायत है कि जाओगे तो गुनाह नहीं है, महिलाओं का सम्मान करना, अब राकेश त्रिपाठी जी शायद आप सही से सुन नहीं पाए, राकेश त्रिपाठी जी शायद आप सही से सुन नहीं पाए, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, एक बार फिर से सुनवाते हैं राकेश जी, एक बार फिर से सुनवाते हैं, एक बार फिर से सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है अभिभावकों को, सबूत नहीं है, एक बार फिर से सुनवाते हैं, तो ठीक है सचिन और गौरव को पश्चिम
प्रसाद जी, आपके जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो इसी जी, मेरी बहन जी और मेरी लड़की इसी स्कूल में पढ़ती हैं, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में तो पढ़ती हैं। किस क्लास में? टेंथ में। दोनों दोनों टेंथ में हैं। एक अभिभावक के तौर पर क्या छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे होती हैं आपको? छेड़खानी की कॉलेज में तो नहीं होती सर, लेकिन रास्ते में इतनी होती हैं कि मैं खुद बीमार होने के बावजूद उन्हें खुद ले जा रहा हूँ, खुद छोड़ रहा हूँ। जो रास्ते में काफ़ी दिक्कतें हैं, बल्कि एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने सोचा लड़कियों को बंद कर दूँ कॉलेज, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है इसलिए बंद नहीं कर पाए, और दिक्कतें हैं इसलिए खुद ला रहा हूँ और खुद छोड़ नहीं पाता। यानी कि एक जो वो तस्वीर हमने देखी है जिसमें बेटियां सिर झुकाकर स्कूल आने और जाने को मजबूर हैं, वो तस्वीर सही है? वो तस्वीर बिल्कुल सही है। बताइए अभिभावक, अब बताइए कौन झूठला रहा है, किसने मना किया कि वो तस्वीर गलत है? अभी आपने कहा वो तस्वीर कहां झुकाया, बस सर झुकाया क्या सौदों के आतंक के कारण है, ये कहां कौन कह स्वीकार कर रहा है? मैंने पहले ही आपके इस डिबेट की शुरुआत में मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर छेड़खानी नहीं हो रही है, मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में सारी बच्चियां आज महफूज हो गई हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई यौन उत्पीड़न नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा। लेकिन आज जहां कहीं भी अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना किसी दबाव और प्रभाव के प्रभावी कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को जेल की सीखों के पीछे भेज रही है। आज ये प्रभावी कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे, ये गलत है। कार्रवाई होती तो तस्वीरें कुछ और होती ना, ये तस्वीर मैनिपुलेट की जा रही है, इस तस्वीर के मायने कुछ और है। कार्रवाई पे हीला हवाले कर रही है, एसएसपी साहब साफ साफ बता रहे हैं पूरी कार्रवाई पे हीला हवाले हो रही है, और प्रवक्ता महोदय वहां से बैठ करके कप्तान की बैठ ले रहे हैं। हम जानते कोई उन्हीं का कार्यकर्ता जाके पता करता है इस बात को? आपने यहाँ भी साफ साफ कहा कि हम मानते हैं, अरे तो मानते हैं तो उस पर कार्रवाई करवाइए। अरे भाई ये घटना नहीं हो रही उसकी वजह से, आप गलत तरीकों से हर बात से जोड़ देंगे। मैं जानता हूँ आप शैलेंद्र तिवारी जी हैं, मैं आपको अभिषेक मनु सिंघवी नहीं बुलाऊंगा। आप क्यों इस बात को जोड़ रहे हैं? मैं कोई बात कर रहा हूँ, आप दूसरी बात को दूसरी बात से जोड़ रहे हैं। अरे ये घटना छेड़खानी की घटना नहीं है। ट्रॉली पर जा रही है वो, ट्रॉली पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा रही छात्राओं के साथ ये बात तय हो चुकी है, उसके बावजूद आप इस बात पर डिबेट कर रहे हैं। राकेश जी दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी। गुनाह हुआ ही नहीं है, गुनाहगार हो चुके हैं, गुनाह हुआ ही नहीं है वहाँ, आपने एक्सेप्ट किया। राकेश जी आप कैसी बात कर रहे हैं? राकेश जी शैलेंद्र जी दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं मुझे लग रहा है शायद कानों में कोई समस्या हो सकती है, या तो जानबूझकर के पॉलिटिकल। राकेश जी शैलेंद्र जी दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी नेता जुड़ चुके हैं। ये घटना से छेड़खानी का कोई लेना देना नहीं। राकेश जी इस तस्वीर से छेड़खानी का कोई लेना देना। ठीक है राकेश जी शैलेंद्र जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। शैलेंद्र जी राकेश जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नावेद जी आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में, और उसी के साथ आपसे जानना चाहूंगा तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, शामली की ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले लगातार इस तरह की स्थिति कई बार वहां पर देखनी जा चुकी है। लगातार हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, उन्होंने इस बात को सारे सिरे से निकाल दिया है कि इस तरह की कोई स्थिति वहां पर नहीं है। ऐसे में आपकी राय क्या कहेंगे आप? देखिए महिलाओं की सुरक्षा की जहां तक बात है, और ये हम कहते रहे चुनाव से पहले, आप देखिए जब जितनी भी स्पीच दी जाती थी, जहां भी जनसभाओं को संबोधित किया जाता था, वहां पे जाकर के सिर्फ एक ही चीज कही जाती थी कि बहनों की सुरक्षा जो है ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब उसके बाद आप देखिए छोटी सी मिसाल एक है, नावेद जी आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं क्या जो हम दिखा रहे हैं, शामली की तस्वीर? नहीं माफ कीजिएगा, तस्वीर नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं रास्ते में हूँ अभी। क्या इस खबर के बारे में आपको पता है कि जो हम खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ खबर अभी मुझे जहाँ आपके यहाँ से चैनल से जो फोन, मैं आपको संक्षेप में बता दूं, हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है कि शामली के एक स्कूल में पढ़ने वाली, एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जब ग्रुप में जाती हैं, शहर से गुजरती हैं ट्रैक्टर से, तो किस तरीके से सिर झुकाकर जाती हैं, उसमें 50 लड़कियां होती हैं अगर, तो 50 के सिर झुके होते हैं और तब तक झुके होते हैं जब तक ये शहर पार नहीं कर जाती हैं। और ये तस्वीरें और ये इस तरह का सिलसिला आज से नहीं सालों से चल रहा है। हम आज इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए गए चुनावों में और सरकार बनने के बाद, उसका क्या हुआ? जी अब बताइए। ये सब जुबानी जमा खर्च थी। अब आप देखिए एक महिला की बात, छात्राओं की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक महिला की बात करते हैं।
जिसको धमकी मिली थी कि हमारे ऊपर फोन आ रहे हैं लगातार और उसको लोग परेशान कर रहे हैं और हमको ये धमकी दी गई है कि हमारे चेहरे के ऊपर तेजाब फेंका जाएगा। वो महिला किसी तरीके से हमारे जो वजीर आला उत्तर प्रदेश है जनाब योगी साहब उनसे मुलाकात करती है। योगी साहब ने उसे आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया और कहा अपने अधिकारियों से कि देखिए इनको पूरी सुरक्षा दीजिए और इनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। वो उनके घर से यानी पांच कालीदास आवास सरकारी आवास से निकलती है, एक हफ्ते बाद उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। वो घटना गलत है नावेद साहब, अपडेट कर लीजिए, घटना गलत है, सुन लीजिए, गलत घटनाओं को मत बताइए। अरे भाई लड़के होंगे, गलतियां हो गई होंगी ना, मुलायम सिंह जी से पूछिए ना, लड़के हैं गलतियां हो गई होंगी, इंसान हो गए हैं राकेश भाई, नहीं नावेद साहब लड़के हैं गलतियां हो गई होंगी, पूछिए मुलायम सिंह जी से। समय की कमी है, ठीक है, चैनल पे ना गुजारिए, अब इस वक्त है क्योंकि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। नहीं नहीं गुजरात में तो आपके लिए कोई स्पेस नहीं है, आप परेशान मत होइए, उत्तर प्रदेश में भी बचा नहीं है। कुछ दिन मैं गुजारिश आपके नेताओं से करूंगा कि जो सब लोग गुजरात में दिन गुजार रहे हैं। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, लड़कों से गलतियां हो गई होंगी इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है नावे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति कई बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल चुकी है और लगातार अभी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से शामली की ये घटना है, ये बेटियों की जो साथ उनके साथ जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कई मायनों में सिर देश का झुका है क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में, इस डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।